सृष्टि के आरंभ से ही मानव जीवन में आदिशक्ति जगदम्बा की पूजा अर्चना का विशेष महत्व रहा है। देवगणों के कष्ट निवारण हेतु शक्ति का अवतार हुआ एवं समय समय पर राक्षसी प्रवृत्ति के दमन और भक्तों के कल्याण हेतु मां अंबा ने अवतार लिया। इसी क्रम में शक्ति रूपा मां संतोषी ने गणपति के पुत्रों शुभ और लाभ को माध्यम बनाकर जगत का असंतोष दूर करने हेतु अवतार लिया और कलयुग में पुनः भारत राजस्थान के जोधपुर नगर के लाल सागर क्षेत्र में पहाड़ों के बीच प्रकट होकर अपना धाम बनाया, जो आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। विजय कैसेट्स जोधपुर प्रस्तुत करते हैं प्रगट संतोषी मां के चरणों में समर्पित पुष्प प्रगट संतोषी मां गाथा। हम प्रगट संतोषी माता की यह कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, संतोषदायनी कल्याणी की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं यश जिसका तीनों लोकों में नारद जी गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, संतोषदायनी कल्याणी की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं अब मैं कथा सुनाता हूँ, युगों पुराना सुन लो भाई वो इतिहास बताता हूँ। धरती वासी सब मानव त्योहार मनाते हैं, इनकी महिमा के दर्शन को देव भी आते हैं। सदियों पहले ऐसा ही एक अवसर आया था, संतोषी अवतार का जो संजोग कहाया था। शुक्रवार शुभ दिन श्रावण का पूनम तिथि आई, रक्षा बंधन की धरती पर खुशियां है छाई। बहनों के हाथों भाई रक्षा सूत्र बंधाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, गणपति पृथ्वी भ्रमण आए। शुभ और लाभ नाम थे जिनके छटा देख हर्षाए। क्या होता है रक्षा बंधन पिता से प्रश्न किया, टाल गए तब विघ्न विनायक उत्तर ही न दिया। लौटे जब निज धाम गजानन हट बच्चों ने किया, रक्षा बंधन की महिमा को तब ही बता दिया।
शुभ और लाभ के बहन नहीं थी देव ऋषि जाने। बच्चों को भड़काने नारद मुस्काते आते, गणपति से मांगो बहन ये एक नारद उकसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बच्चों से बोले तुम भी पर्व मनाओ, विघ्न हरण है पिता तुम्हारे उनसे बहन मंगाओ। दोनों बच्चों का कोमल तप ललचाता है, रक्षा बंधन हो हाथों में मन को भाता है। नारद जी ने शुभ और लाभ को ऐसा पाठ पढ़ाया, रक्षा बंधन की महिमा को भली भांति समझाया। हट करके तब दोनों बालक गणपति से बोले, बहन चाहिए हम दोनों कर रह रह कर रोते। बच्चों की जिद से श्री गणेश चिंतित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कन्या गणपति मन में सोच रहे, चिंता तुर हो सी गणेश निज भवन में टहल रहे। आज भवानी जगदम्बा का मन में ध्यान किया, श्री गणेश ने अपना चित चरणों में लगा लिया। देव गणों के दुख को हरती शक्ति महामाई, जिनकी महिमा का अब तक कोई पार नहीं पाया। गणपति के सम्मुख तब शक्ति प्रकट रूप आवे, चिंता की कोई बात नहीं गणपति को समझावे। बालक को मेरे अवतार माध्यम बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बाहर एक सरोवर जल का है, जिसके मध्य में रोज सवेरे कमल पुष्प खिलता है। उस पुष्प में समाधान है अम्बा समझावे, जिसको सुनकर श्री गणेश चिंता मिट जावे।
सेवक के संग गए सरोवर, कमल पुष्प देखा हाथ लगाया, जब गणपति ने सुंदर पुष्प खिला, अंदर बैठी नन्ही कन्या मुख से मुस्कावे, वंदन करके सी गणेश निज भवन में ले आवे। फिर शुभ और लाभ बहन को पाहर्षित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। असंतोष जगत में फैला, सब अवतार लिया, शुभ और लाभ को राखी बांध के अतुलित स्नेह किया। असंतोष जगत का उसने पल में दूर किया, तीन दुखी के माँ अम्बा ने कष्ट को दूर किया। पूछा है जब नाम को उसने संतोषी बतलाया, असंतोष को दूर करूंगी उसने समझाया। इस प्रकार माँ संतोषी का है अवतार हुआ, पूजा होने लगी जगत में घर घर नाम हुआ। माँ संतोषी को श्रद्धा से सब शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्यापर युग का अंत समय में राज परिषित करते, चारों ओर सुखी थी जनता आनंद से सब रहते। बीता द्वापर युग और भाई कलयुग युग आया, लूट मार थी चार दिशा में हाहाकार मचा। वातावरण हुआ अब दूषित, जनता दुखी हुई, पैशाचिक गति से जनता धर्म से विमुख हुई। भक्त जनों ने तब शक्ति को मन से याद किया, जीवन अब हाथों में अम्बा तुझको सौंप दिया। माँ जगदम्बा को रो रो कर फरियाद सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करुण पुकार सुनी भक्तों की संतोषी प्रकट हुई, लुटा चुके थे सब कुछ अपना, पास था कुछ नहीं। गुड़ और चना बचाता थोड़ा वह प्रसाद चढ़ाया, माँ संतोषी के चरणों में सबने शीश झुकाया। आशीर्वाद दिया भक्तों को असंतोष मिटाया,
प्रगटी हूँ मैं भक्तों के हित में सबको समझाया। नतमस्तक हो सब भक्तों ने जय जयकार किया। संतोषी माता का वंदन सबने मिल के किया। माँ संतोषी का हिल मिल गुण गान गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कलयुग में फिर से संतोषी पूजी जाने लगी। निज भक्तों के माँ संतोषी दुखड़े हरने लगी। व्रत और नियम बने पूजा के एक दिवस हुआ। शुक्रवार शुभ दिन पूजा का ऐसा नियम बना। एक समय एक घर की नारी अनन्य भक्त हुई। उसके साथ घटित घटना ही कथा स्वरूप हुई। भक्त दंपति ने भक्ति का एक इतिहास बनाया। संतोषी के चरणों में जीवन पूर्ण लगाया। फिर अंत समय में भव बंधन से मुक्ति पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पांच हजार वर्ष कलयुग का समय व्यतीत हुआ। संतोषी अवतार का फिर इतिहास अतीत हुआ। भारत राजस्थान के पश्चिम नगर है बसा हुआ। नगर जोधपुर जिसको कहते सुंदर बना हुआ। तपता सूरज सबसे ज्यादा सूर्य नगर कहलाए। छटा निराली जिसकी देखो सबके मन को भावे। निर्जन क्षेत्र नगर में आई लाल सागर कहलाता। मानस उस उजाड़ जंगल में कोई नहीं जाता। निर्जन जंगल में जाने से मानव घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बीच पहाड़ों के निर्जन में मंदिर बना हुआ। बहुत पुराना घास फूस से वह था अटा हुआ। माँ शक्ति का मंदिर था वह चमत्कार दिखलाया। एक भक्त के मन में माँ ने भक्ति भाव जगाया। खुद
सदा राम जी नाम के व्यक्ति गुरु भक्ति करते। लक्ष्मी नारायण सी गुरु जिनके ज्ञान दान करते। एक दिन श्री गुरु बोले लाल सागर जाओ, माँ जगदम्बा के मंदिर में दर्शन कर आओ। तब सुधा राम जी माँ अम्बा के मंदिर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। निर्जन मंदिर में माता का दर्शन पाते हैं, श्रद्धा से तब उदारा मुझे शीश झुकाते हैं। साफ सफाई करके दीपक घी का लगा दिया, माँ अम्बा के चरणों में चित अपना लगा लिया। प्रतिदिन माँ के दर्शन का नियम बनाया है, माता के मंदिर सेवक के मन को भाया है। 3 वर्ष तक माँ मंदिर में घी का दीप जलाया, अपनी सेवा और भक्ति से माँ अम्बा को मनाया। मन में अपने उदाराम संतोष पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मंदिर में भक्ति उदारा मुझी करते, सत्पर प्रतिदिन माता जी की सेवा में रहते। नवरात्रि व्रत करने का मन आप बनाते हैं, माता से व्रत करने का आदेश पाते हैं। अश्विन मास की नवरात्रि में व्रत है करने लगे, धूप दीप से माँ अम्बा की पूजा करने लगे। निस दिन माता की भक्ति में डूबे रहते थे, जय माता की मुख से कहते थे। श्री उदारा मुझी व्रत करके आनंद पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। घर परिवार में चिंता फैली, भक्त नहीं घर आया, बिना बताए कहाँ गए हैं समझ नहीं कुछ आया। रिश्तेदारों के घर जाकर सबने पता लगाया, एक एक घर ढूंढा लेकिन कहीं नहीं पाया। श्री गुरु के घर जा पहुँचे बोले पता लगाओ, कहाँ गए हैं उदारा मुझी
बात हमें समझाओ। श्री गुरु ने सिद्धि से अपनी भक्त का पता लगाया, लीन साधना में भगवती का लाल सागर बतलाया। चिंता के बादल सबके मन से छट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अष्टमी के दिन गुरु ने जाप हवन कराया, व्रत पूजा का विधि विधान से सारा काम कराया। नवमी की जब निशा हुई तो भक्त ने जाप किया, सच्चे मन से उदार राम ने माँ को याद किया। पुलकित रोम रोम हो जैसे एक एहसास जगा, आलोकित है चार दिशाएं ऐसा भान हुआ। वाणी एक मधुर स्वर नारी भक्त के कान पड़ा, हूँ प्रसन्न भक्ति से तेरी तू है भक्त मेरा। फिर उदाराम जी नेत्र खोल विस्मित रह जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नेत्र खुले तो भक्त सामने भगवती को पावे, दया रूपिणी माँ जगदम्बा मंद मंद मुस्कावे। शीश मुकुट की शोभा नारी अष्ट भुजा धारी, आदि भवानी माँ जगदम्बा लाल चुनर वाली। शीश चरण में धरा भक्त ने सादर नमन किया, अहो भाग्य है मेरे अम्बा तुमने दर्श दिखा। साधु और सन्यासी वर्षों तक है तप करते, तब जाकर माँ जगदम्बा के दर्शन है करते। तेरे दर्शन को जगदम्बा मुशवर ललचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता तब यूं मुख से बोली, वर मांगो प्यारे, एक ही पल में हर लूंगी मैं सारे कष्ट तुम्हारे। हाथ जोड़ कर उदाराम जी वचन सुनाते हैं, माता जी को अपने मन की बात बताते हैं। धन्य हुआ दर्शन से तेरे मन में लोभ नहीं,
स्वार्थ है भक्ति, मेरी इच्छा कोई नहीं। आप विराजो इसी जगह पे, वापस नहीं जाना। इतनी सी इच्छा है मेरी, सूझी बात नहीं। मेरा तेरे मंदिर लागे, इच्छा बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संतोषी माता की यह कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संतोषदायिनी कल्याणी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यश जिसका तीनों लोकों में नारद जी गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संतोषदायिनी कल्याणी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बताती है अल्प समय में दर्शन लाभ का राज बताती है। शत वर्षों की पूर्व तपस्या का फल है पाया, जग कल्याण की तेरी कामना तब दर्शन पाया। इसी जगह पर तूने पहले मेरा तप किया, शत वर्षों पहले भी मैंने तुझको दर्श दिया। पहले भी जग का हितकारी वर तुमने पाया, कलयुग में फिर उसी भावना से दर्शन पाया। ऐसे उपकारी भक्त ही मेरा दर्शन पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चरण चिन्ह छोड़े थे मैंने मैया बतलावे, है मौजूद गुफा में देखो अम्बा समझावे। चरण चिन्ह के उदारा मुझी दर्शन पाते हैं, संतोषी चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। इच्छा पूरी होगी तेरी, माता यूं बोली, आशीर्वाद से अपने भक्त की भर दी है झोली। प्रगट रूप का अक्ष गुफा में छोड़ के जाती हूँ, जब भी याद करोगे मुझको दौड़ के आती हूँ। सुन करके ऐसे वचन भक्त मन में हर्षाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संतोषदायिनी कल्याणी की गाथा गाते हैं, हम
अंतर ध्यान हुई संतोषी भक्त को ऐसा लगा, असंतोषी हृदय का सारा पल में दूर हुआ। हुआ सवेरा नव जीवन का सुंदर पुष्प खिले, उदारा मुझी बड़े प्रेम से घर वालों से मिले। सेवा भाव कबीरा अपने हाथ उठाते हैं, प्रतिदिन माता के चरणों में ध्यान लगाते हैं। निर्विकार और निश्चल हृदय मन में मेल नहीं, सेवा का अवसर है पाया इच्छा और नहीं। माँ संतोषी के मंदिर में गुणगान गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वन में रहने लगे, साफ सफाई माँ मंदिर की हाथ से करने लगे। हटा हटा कर चट्टानों को सुंदर राह बनाई, मंदिर को सुंदर करने की मन में ज्योति जगाई। पीने के पानी है तू एक जल का कुंड बनाया, संतोषी माता का मंदिर लोगों को बतलाया। प्रगति मैया फैली जग में संतोषी माया, माँ संतोषी के मंदिर में सबने शीश झुकाया। हर शुक्रवार को संतोषी के मंदिर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कठिन परिश्रम किया भक्त ने सुंदर धाम बनाया, माँ संतोषी दुख को हरती जन जन को बतलाया। मंदिर परिसर का विकास फिर जल्दी होने लगा, शुक्रवार को माँ मंदिर में मेला भरने लगा। उदारा मुझी की कोशिश से बिजली भी आई, संतोषी के चरणों में सब दुनिया है आई। सड़क बना कर भक्त जनों को राहत देते हैं, उदारा मुझी संतोषी की माया कहते हैं। भक्तों के टोले संतोषी के मंदिर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता
के मंदिर की देखो बात निराली है। जीन दुखी के दुखड़े हरती शेरा वाली है। शत वर्षों से एक ही कद की वटकी है छाया। सन्मुख नीम नारायण जिसके पीपल गोदी उठाया। मूल गुफा है जैसे पन को शेष नाग ने उठाया। बड़ी निराली इस कलयुग में संतोषी की माया। मैया की मूरत है प्यारी मन को है भाती। संतोष हृदय का सारा दूर भगाती है। दर्शन को जिसके दूर दूर से लोग आते हैं पावन कथा सुनाते हैं। परम प्रिय भोजन मैया को भावे। जिसे चढ़ाने भक्त साथ में श्रद्धा से लावे। लाल चुनरिया और नारियल चरणों में धरते। जय जयकारा मां संतोषी मंदिर में करते। गल पुष्पों का हार चढ़ाते शीश झुकाते हैं। संतोषी माता का सब गुण गान गाते हैं। धूप दीप कर संतोषी की ज्योत जगाते हैं। मन वांछित फल सारे दर्शन करके पाते हैं। माँ संतोषी के मंदिर नित ढोल बजाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। जोधपुर के सबवासी गौरव पाते हैं। प्रगति माँ संतोषी यह सबको बताते हैं। नवरात्रि में नौ रातों तक मेला भरता है। धरती का है स्वर्ग यहीं पर ऐसा लगता है। बिना भेद के हिल मिल के सब दर्शन पाते हैं। जांझ मंदिरा झोलक नौबत शंख बजाते हैं। संतोषी माता के आंगन भजन सुनाते हैं। बड़ी विनय से अपने मन की बात बताते हैं। झोली माता के मंदिर से भर के जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं।
धन देने वाली माता उपकारी, पुत्रहीन को बालक देती माँ शेरा वाली, निज भक्तों की रक्षा करती संतोषी माता, काया कष्ट मिटाती मैया निर्बल बल पाता, दया स्वरूपिणी माँ संतोषी मन की है भोली, आशीर्वाद से निज भक्तों की धरती है झोली, लाल सागर धरती पर डेरा मैया का प्यारा, शुक्रवार को दर्शन करने आवे जग सारा, दरबार में संतोषी के सुख चैन पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, भवसागर में है संतोषी आधार, जो भी सच्चे मन से ध्यावे उसको करती पार, संतोषी माता की भक्ति श्रद्धा से कर लो, कृपा प्राप्त कर संतोषी की जन्म सफल कर लो, देवी चंद साखला सेवा तन मन से करते, सांझ सवेरे रोज आरती मैया की करते, बड़े भाग से सेवा का यह अवसर पाया है, चरणों में माँ संतोषी के हृदय लगाया है, माँ संतोषी के मंदिर में जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सुंदर सबके मन भावे, याद करे जब भक्त भवानी सिंह चढ़ी आवे, ऋषि मुनि ज्ञानी भी जिसका पार नहीं पावे, ब्रह्मा विष्णु देव मनावे तीन लोक ध्यावे, भक्तों को संतोषी अपने भव से पार करे, प्रगट रूप संतोषी माता सबके कष्ट हरे, दुष्टों की सहारक माता भक्त की रखवाली, संतोषी की महिमा भक्तों जग में है नारी, शक्ति रूपा संतोषी को सब देव मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, फल देने वाली संतोषी उपकारी, संतोष
कोशी माता को जग में पूजे नर नारी। धूप दीप कर श्रद्धा से नित दर्शन सुख पाते, नवरात्रि में रात जगा कर संतोषी गुण गाते। संतोषी के मंदिर में सब आनंद पाते हैं, नाच नाच मंदिर में मीठे ढोल सुनाते हैं। दूर दूर से लोग मनाने संतोषी को आवे, रोते रोते आते और हंसते हंसते जाते। रे वाघुश्री की माँ संतोषी को भोग चढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संतोषी सबके मन भावे, नचनी सोवे नाक में मैया मंद मंद मुस्कावे। झिलमिल मुकुट शीश पर राजे लाल चुनर वाली, कमल पुष्प का आसन प्यारा मां लगती प्यारी। गल में जंती माल बिराजे शंख चक्र धारी, सवारी माँ संतोषी अतुलित बलशाली। संतोषी की मूरत प्यारी आंखों को लगती, नैन निहारा करे मूर्ति मन की इच्छा जगती। दर्शन से जिसके भव बंधन सारे कट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संतोषदायिनी कल्याणी बहन कहावे गणपति की पुत्री। लाल सागर में माँ संतोषी आप सदा रहती, गुफा रूप मंदिर में मैया सबके दुख सुनती। निज भक्तों के माँ संतोषी दुखड़े हैं हरती। खड़ग हाथ में शोभा पावे त्रिशूल है धारा, आदि भवानी माँ संतोषी जाने जग सारा। युगों युगों से माँ संतोषी की महिमा है भारी, संतोषी की शरण में आवे ये दुनिया सारी। हम कोटि कोटि माँ संतोषी का वंदन गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
हम हैं तेरे दास भवानी, चरणों में रखना भक्तों के भंडार संतोषी अक्षय धन भरना। शरणागत की रक्षा करना संतोषी माता, कलयुग में आधार तुम्ही हो, तुम्ही तो हो माता। हम आए दरबार तुम्हारे मैया कृपा करो, प्रगट संतोषी माता अम्बा सबके कष्ट हरो। मैं बालक नादान हूँ अम्बा मूढ़मती मेरी, कैसे करूँ बखान संतोषी महिमा में तेरी। है दास अशोक शरण में हम तेरी महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बहन कहाँ वे गणपति की पुत्री, लाल सागर में माँ संतोषी आप सदा रहती। गुफा रूप मंदिर में मैया सबके दुख सुनती, निज भक्तों के माँ संतोषी सुखड़े है हरती। खड़ंग हाथ में शोभा पावे त्रिशूल है धारा, आदि भवानी माँ संतोषी जाने जग सारा। युगों युगों से संतोषी की महिमा भारी है, संतोषी की शरण में आवे दुनिया सारी है। हम कोटि कोटि माँ संतोषी का वंदन गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम हैं तेरे दास भवानी, चरणों में रखना भक्तों के भंडार संतोषी अक्षय धन भरना। शरणागत की रक्षा करना संतोषी माता, कलयुग में आधार तुम्ही हो, तुम्ही तो हो दाता। हम आए दरबार तुम्हारे मैया कृपा करो, प्रगट संतोषी माता अम्बा सबके कष्ट हरो। मैं बालक नादान हूँ अम्बा मूढ़मती मेरी, कैसे करूँ बखान संतोषी महिमा में तेरी। है दास अशोक शरण में हम तेरी महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मातेश्वरी की इस पावन गाथा को काव्य रूप में पिरोया है श्री अशोक दाधीच ने, एवं अपनी मधुर वाणी में गाया है भारत के मशहूर गायक मोइनुद्दीन मंचला साहब ने। रिकॉर्डिंग शुभम स्टूडियो जोधपुर में संपन्न हुई। विजय कैसेट्स जोधपुर प्रस्तुत करते हैं
प्रगट संतोषी माँ के चरणों में समर्पित पुष्प प्रगट संतोषी माँ गाथा, जिसे कठिन परिश्रम से आप तक पहुंचाया है श्री नंद किशोर सांकला ने। कैसेट्स मिलने का पता: विजय कैसेट्स, मुख्य कृषि मंडी, मंडोर रोड, चौराहा, जोधपुर।